पुलिस वाले सुनने नहीं कर रहे, हटा लो नहीं हम गाड़ी में डाल देंगे। पुलिस वाले धमकी भी दे रहे, तो ये नाला है, इस गंदगी के ऊपर तो कहीं ना कहीं प्रशासन की गाज नहीं गिरती है, लेकिन गाज गिरती है तो गिरती है किसके ऊपर? उठाते कम से कम, ये तो देख लो बरसात है, हमने पैसा लगाया है, हम लोग गरीब है। आप इससे बाहर आ रखे हो जरूरत से ज्यादा, आप चल जाओ अंदर, नहीं तो हम इसको जब्त करेंगे। आप कल इस टाइम तक दे दो, आपको टाइम आगे शुरू कर दो, आप वोट उतार दो बिल और हम आपको रिहा दे देंगे। तो साथ करो, इसका एक दाना भी नहीं बचने चाहिए इसका। वो उसकी है भाजी, किसकी है वो, सारा कुछ करो इसका इलाज। किसकी तरफ पड़ गया, मैं तुमको तोड़ दो। अभी हम खड़े हैं मनसा देवी में, जहां पर आपको दिखाएंगे मनसा देवी परिसर के सामने, बिल्कुल पार्किंग जो है वहां, पार्किंग के सामने जिस तरह से ये अतिक्रमण की बात करी जाती है, विभाग की तरफ से विभागीय कार्रवाई हो रही है, जहां अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, जिस तरह की जिनको ये बूथ मिले हुए हैं उस बूथ के अंदर ना जगह देकर दुकानदार जो है, दुकानदारी जो है अपनी बाहर करते, जिसको लेके अतिक्रमण की जो कार्रवाई है दोबारा से होती हुई नजर आ रही है। और फिलहाल बता दें प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए और अपनी कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो लोग हैं अपने दुकानदार जो दुकानें खाली कर अपना पीछे की तरफ दुकान करें और अतिक्रमण को खत्म करने का काम करें। और फिलहाल ये तस्वीरें हैं माता मनसा देवी मंदिर परिसर की। और फिलहाल विभागीय कार्रवाई जो है लगातार कई बार नोटिस दिए गए हैं, जिसके बाद ये विभागीय कार्रवाई जो है आज फिर होती हुई नजर आ रही है। HSVP और नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई जो है फिलहाल मौके पर नजर आ रही है, पुलिस विभाग भी मौके पर पहुंचा हुआ है। तो मनसा देवी परिसर के बाहर जिस तरह से दिखाया था हमने आपको कि आगे फ्रंट की बात करी जाती है, जहां पर पार्किंग का जो पार्किंग के सामने जो है काफ़ी दुकानदारों ने अतिक्रमण किया हुआ था, जिसके ऊपर कार्रवाई होती है, वहीं पर जो फिलहाल जो पीछे जो लोग बैठे हुए हैं आपको दिखाएंगे। फिलहाल यहां पर एक साथ में नाला है, नाला ही है ना जी, यहां पे ये नाला है, इस गंदगी के ऊपर तो कहीं ना कहीं प्रशासन की गाज नहीं गिरती है, लेकिन गाज गिरती है तो गिरती है किसके ऊपर? फिलहाल आपको बताएंगे, हमने पहले भी खबर दिखाई थी कि मेरे बिल्कुल सामने जहाँ पे मेरी उंगलियाँ जा रही हैं वहाँ पर देख सकते हैं नाला जो है, काफ़ी दिनों से चाहे वो नवरात्रे हों चाहे वो कोई दिवाली तर त्यौहार हो, लेकिन उस नाले के ऊपर इस प्रशासन की नज़र तो नहीं जाती है, क्योंकि वही HSVP का प्रशासन है जहाँ पर वो नाला, अभी बारिशों का मौसम होने वाला है लेकिन वहाँ पर कार्रवाई नहीं होती, लेकिन कार्रवाई आज हुई है तो इनके ऊपर हुई है। जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? हम जी हमारे छोटे छोटे बच्चे हमारे यहीं पले, हमारे कम से कम 35-50 साल हो गए, हमारी दुकानें लगी, हमारे को कोई किस्त नहीं दिया, या तो हमारे को कहीं बिठाया जाए, ठीक है ना, हम अब कितने लोग खड़े हैं, ये बिल्कुल हमारे साथ ना इंसाफी, ना कोई नोटिस। नहीं, वो तो कह रहे नोटिस हमने दिया था आपको, नोटिस दिए बिना कार्रवाई तो करनी है। नोटिस नहीं दिया, नहीं दिया हमारे को, हम इस बात को वो कर देंगे प्रूफ, हमारे को नोटिस दिया, ठीक है, हम यहीं के बच्चे हैं, यहीं पले बले, हमारे माँ बाप हैं, कुछ काम करते हैं जो छोटा मोटा दिहाड़ी वगैरह। एक बात तो बताओ, क्या आप लोग किराया देते हो यहाँ का? हाँ जी, हम लोग किराया नहीं देते हैं, झूठ नहीं बोलते, हम लोग किराया किसी को भी नहीं देते हैं। किसी को वैसे देते हो पैसा? नहीं नहीं, वैसे भी नहीं देते, हम किसी को कोई पैसा नहीं देते हैं, अपना हम छोटा मोटा धंधा करते हैं, यहीं नाले के किनारे बैठे हुए हैं, और इस बरसात में हमको सताया गया है। अगर ऐसा ही करना था, हम ये नहीं कहते उठाओ मत उठाओ, उठाते कम से कम, ये तो देख लो बरसात है, हमने पैसा लगाया है, हम लोग गरीब हैं, किस किस से किसी से लोन। आपने अभी किसी जो प्रशासन के अधिकारी आए थे किसी से बातचीत करी कि आज बारिश का मौसम है कुछ थोड़ा सा आज का दिन क्या टाइम दिया? नहीं नहीं, सुनते नहीं है, सुनते नहीं है हमारे। मेरे नाम विमला है, पुलिस वाले सुनने नहीं कर रहे, हटा लो नहीं हम गाड़ी में डाल देंगे। पुलिस वाले धमकी भी दे रहे, तो घर ले गया, और बातें और उल्टी करते हैं पुलिस वालों ने, बहुत धमकी कराया। अच्छा, ये नाला जो आपके दोनों तरफ बह रहा है, एक उस तरफ नाला है और एक ये सामने नाला है, इस नाले को बहते हुए यहाँ पे क्या साफ सफाई होती है? कोई साफ सफाई नहीं, देख रहा है वो सामने पड़ा, कोई बदबू आती है, खाना खा नहीं सकता, हम लोग तो गरीब आदमी खा लेते हैं, हम क्या जाए, मतलब गरीब जो है वो बदबू बर्दाश्त करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की जो दिक्कत और परेशानियां, कार्रवाई होती है, कार्रवाई की जाए। हम भी कहते हैं कि अगर अतिक्रमण है तो अतिक्रमण के ऊपर कार्रवाई हो, क्योंकि हम भी अतिक्रमण के जो है पक्ष में नहीं है। लेकिन फिलहाल अगर बात करी जाती है तो जो और मुद्दे हैं और समस्याएं हैं, बारिशों का मौसम है, आज भी बारिश का मौसम है और आने वाले कुछ दिनों बाद बारिशों का मौसम तेज होने वाला है, लेकिन HSVP का जो ये डिपार्टमेंट है, इस नदी नालों को क्यों नहीं साफ किया जाता, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी सफाई होनी चाहिए और इनके ऊपर बुलडोजर भी चलना चाहिए, लेकिन वो चलेगा कब, ये समय के गर्भ में है। क्या कह रहे, इतनी गरीब मार कर रहे गरीब बंदे के साथ में। नहीं, आप लोगों को पहले बताया नहीं था इन्होंने? कुछ नहीं बताया, कोई टाइम नहीं दिया, एकदम आगे सब सामान चक के ले गए। कुछ नहीं बताया, बस सीधा उठा के ले गए। टिंकू नाम है जी। क्या काम करते हो आप? बेलपुरी का काम सर। ठीक है, तो प्रशासन से क्या अपील करना चाहोगे आप? सर कुछ तो जगह मिलनी चाहिए ना, थोड़ी रेंट पे मिलनी चाहिए, महीने के पैसे बता दें, कुछ तो जगह मिलनी चाहिए ना, हम लोग कहाँ जाएंगे, सारा कुछ तो हटा दिया हमारा। घर में सबसे बड़े हम ही हैं, सब छोटे हमारे सबसे बड़े हम ही हैं घर में, बताओ कमाने खाने वाले,
फिलहाल सामान की बात करी जाती है तो इनका सामान जो है फिलहाल चला गया है, और फिलहाल झूले वाले लोग और ये बेलपुरी वाले जो लोग हैं फिलहाल इनका भी कहना है कि फिलहाल हमें कुछ जगह दी जाती है, और जगह देने के साथ साथ कहीं ना कहीं हमारे ऊपर जो गरीब मार की बात करी जाती है वो साथ साथ हो रही है। लेकिन प्रशासन की बात करी जाए तो प्रशासन का एक ही कहना है कि अतिक्रमण के ऊपर जो है वो कार्रवाई होती नजर आ रही है, और अतिक्रमण जहाँ भी होगा उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल HSVP और नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई के साथ साथ पुलिस विभाग भी मौके पर तैनात है, और फिलहाल दिखाएंगे माता मनसा देवी का जो द्वार है उस बिल्कुल सामने उसके जो पार्किंग है और जो एंटायर एरिया है फिलहाल उसको साफ कराया जा रहा है। पुलिस भी मौके पर है और साथ साथ पुलिस के साथ साथ HSVP की जो टीम है और नगर निगम की टीम है वो मौके पर तैनात है, और दुकानदार जो है अपना सामान जितने भी सामान जो अतिक्रमण किया हुआ सभी को ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल जिस तरह से अतिक्रमण के ऊपर कार्रवाई हो रही है लगातार विभागीय कार्रवाई हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जब अधिकारी से हमने एक सवाल किया कि जो अतिक्रमण हो रहा है वो बड़े जो लेवल पर जो अतिक्रमण वो नहीं हो पाता, जिस तरह कोई स्कूल हो कॉलेज हो इन पर तो कार्रवाइयाँ फिलहाल नहीं हो पाती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी कार्रवाइयाँ जो है चिन्हित होती हैं, इसके ऊपर भी विभाग की तरफ से बोला गया कि कार्रवाई जो है वो हमारी तरफ से निष्पक्षता से कार्रवाई होती है, और उस कार्रवाई के अंदर कहीं ना कहीं जो भी अतिक्रमण होगा उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल मौके पर अधिकारीगण जो है मौके पर पहुंचे और क्या कुछ कार्रवाई होती है देखिए। आसरा जी, माता मनसा देवी में अतिक्रमण की ड्राइव है, थोड़ा सा डिटेल बताएंगे क्या है? जी देखो, आप देख ही रहे हैं कि जो इनको अलॉटेड बूथ्स हैं अपने SVP के, और ये तकरीबन उससे तकरीबन 4-5 गुना बड़ी जगह में लोग बड़े हुए आगे, तरपाले भी लगा ली, ब्रांडे भी कवर कर लिए, और बार बार इनको वार्निंग्स भी दिए नहीं मान रहे, तो फिर आज हमारे CO साहब भी साथ खड़े हैं और हमारी सारी टीम नगर निगम की भी साथ है और स्टेट ऑफिस की भी टीम सारी साथ है और पुलिस भी साथ है, तो एक जॉइंट कार्रवाई के तहत ये जो अतिक्रमण है ये इंक्रोचमेंट इसको रिमूव कर रहे हैं। अभी ये सुनिश्चित करेंगे कि अगली बार भी अतिक्रमण ना आ सके यहां पर, डेफिनेटली। फिर तो देखो, फिर तो अगर आप ऐसे इंक्रोचमेंट करेंगे हुडा वाली जमीन में फिर हम क्रिमिनल एक्शन भी इनिशिएट करेंगे, क्योंकि एक एक बार तो हमारी सारी एनर्जी लग रही है इसको उतारने में, और ये तो चलो हम प्यार से समझा रहे हैं कि आप ऐसे मत कीजिए कि आप हुडा दी लैंड पे इंक्रोचमेंट ना करो, अगर फिर भी करेंगे तो विल टेक एक्शन। नहीं, हम जॉइंटली एक्शन करेंगे, जॉइंटली अगर इस तरीके से करते रहेंगे तो नेक्स्ट टाइम हम इसके बाद फिर कोई स्टर्न एक्शन लेंगे और फिर उसमें से हम इंक्रोचमेंट लगने नहीं देंगे जी। अभी कुछ लोग आपके पास में आए थे, समय मांग रहे थे कि हमें सुबह का वक्त दीजिए, 4-6 घंटे का वक्त। देखिए, उनकी दुकानें हैं, दुकानों में सामान रख सकते हैं, अब वो तो अगर नियत नहीं हटाने की तो हमारे पास क्या ऑप्शन है। तो सर, क्या कोई पहले कोई नोटिस वगैरह दिया गया, क्योंकि कई बार आरोप लगते हैं कि नोटिस नहीं? देखो, नोटिस कॉन्टिन्यूसली दिया जा रहा है, ड्राइव चल रही हैं, और जब इंक्रोचमेंट करने से पहले नोटिस नहीं कोई देता तो क्या है इसमें, और ये तो सारी वैसे झूले रख रख के आपके सामने किसको नोटिस पकड़ा के जाऊँ। यहाँ कोई जो लोग हैं ये तो मतलब यहाँ कोई परमानेंट सेटलमेंट है नहीं, यहाँ पर ये झूले लगा के और अपना चले जाते हैं, और किससे बात करनी है। कुछ विरोध भी हुआ था, कुछ लोगों ने विरोध भी किया था थोड़ा सा। विरोधता तो चलो देखो ऐसा छोटे मोटे काम में होती है, लेकिन ऐसी कोई लंबी चौड़ी विरोधता नहीं थी और सबने कोऑपरेट किया, सब अंडरस्टैंड करते हैं कि इंक्रोचमेंट है और इसको हम रिमूव करेंगे। ये तो सर थी माता मनसा देवी मंदिर के बाद, लेकिन मार्केट में जो और जो सेक्टर की मार्केट है उनमें भी जी बिल्कुल हम ड्राइव चलाएंगे। हम तो अभी रिसेंटली मैंने ज्वाइन किया है और हम इसको सिस्टमेटिक तरीके से ड्राइव को चलाएंगे, और हमारी प्रॉपर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ भी कोऑर्डिनेशन है, पुलिस डिपार्टमेंट के साथ भी है, और कंसर्न डिपार्टमेंट को लेकर, और जहां पर भी हुडा की ज़मीनों के ऊपर HSVP की VP की ज़मीनों के ऊपर कब्जे होंगे हटाएंगे जी। क्या कहना चाहेंगे पंचकुला के लोगों जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है ज़मीनों के ऊपर घोषित नहीं अघोषित तरीके से? देखिए, शहर हमारा है और ब्यूटीफुली प्लान्ड है, और गवर्नमेंट ने बड़ी प्लानिंग के साथ पंचकुला को बसाया है, और हम इसी तरीके से इंक्रोचमेंट करते रहेंगे तो इस शहर की ब्यूटी ख़त्म हो जाएगी, और हम ये सब हम सब की ड्यूटी बनती है कि हम इंक्रोचमेंट ना करें ना होने दें, बाकी तो हमारी तो ऑफिशियली ड्यूटी है ही है। मेरा सबके सामने यही हाथ जोड़ के निवेदन है कि मतलब कृपया इंक्रोचमेंट मत करें सरकारी ज़मीनों के ऊपर।